दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने आ रहा हूँ रियलमी के C11 2021 यानी कि रियलमी C11 2021 में ऐप हाइट सेटिंग को हम कैसे करेंगे, यानी कि ऐप को हाइट कैसे करें, यहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ और यहाँ पे विद प्रूफ लाइव आपको ऐप को हाइट करने का तरीका भी बताऊँगा। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने रियलमी के C11 2021 में ऐप हाइट की सेटिंग को कर पाएंगे, हाउ टू हाइड ऐप इन रियलमी C11 2021। तो चलिए चलते हैं बताते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आपको अभी से लाइक कर देना है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना होगा, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे इस तरीके की वीडियो पब्लिश करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में चला जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप जाएंगे अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर और यहाँ पे आपको ढूंढना है सॉफ्टवेयर अपडेट। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप अपने फोन में सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए। सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पे आपको ढूंढना है, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे प्राइवेसी, प्राइवेसी पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आपको ऐप लॉक मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो ये भी तरीका बताऊँ कैसे आपको लेके आना है। तो मैं ऐप लॉक पे यहाँ क्लिक करूँगा, सेट पैटर्न पे क्लिक करूँगा, डिफरेंट ए टाइप यहाँ पे आप देख सकते हैं पैटर्न को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं इस तरीके से पैटर्न डालूंगा, फिर से वो पैटर्न इंटर कर दूंगा। यहाँ पे हम अपना कोई टीचर का नेम डाल देंगे, सर का, गुरु का, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कुछ भी डाल सकते हैं, बट याद होना चाहिए। डन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके में सेटिंग नहीं है तो बताऊँगा कैसे आपको लेके आनी, जिनके में वो आपको कर लेना होगा। लॉक पे यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा, जैसे मैं व्हाट्सअप को हाइड करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप लॉक पे क्लिक करूँगा, हाइड फ्रॉम अनस्क्रीन पे क्लिक करूँगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हाइड का एक यहाँ पे आता है, ठीक है, फीचर। अगर आपके में नहीं आ रहा है वो भी बताऊँगा कैसे आपको लेके आना है। तो यहाँ पे एक कोड आपको डालना होता है, पहली बार अगर आप इसे ऑन कर रहे हैं तो पहले हैज दबाना है, फिर आपको चार डिजिट डालना है, 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हैं, और बाद में आपको हैज लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम चलेंगे बैक। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे व्हाट्सअप नज़र नहीं आ रहा होगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट्सअप मैंने सर्च किया, नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है, जबकि इस फोन में है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इसे आप फिर से कैसे लेके आएंगे और उसे हम फिर से कैसे, अगर आपके में फीचर नहीं हो कैसे ऐड करना है। तो यहाँ ऐप लॉक पे हम फिर से क्लिक करते हैं, जो भी हमने पैटर्न डाला था वो डाल दिया है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, व्हाट्सअप ढूंढूंगा, सॉरी यहाँ पे व्हाट्सअप ढूंढूंगा, इस तरीके से मैंने व्हाट्सअप यहाँ से मैं बंद करूँगा। यहाँ सेटिंग के आइकन पे क्लिक करूँगा, चेंज प्राइवेसी पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे इस तरीके से करूँगा, टर्न ऑफ कर दूँगा, फिर से वो पैटर्न डालूँगा इस तरीके से। अब आपके में नहीं आ रहा तो सिंपल से आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सिंपल से अपने जाना है यहाँ पे प्ले स्टोर के अंदर, जैसे कि प्ले स्टोर के अंदर जाएंगे, ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। आपको यहाँ सर्च बार में लिखना है ऐप हाइटर। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको 3 से 4 से 5 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे इसका जो लोगो है, यहाँ पे आप जो मंकी है यहाँ पे आप देख सकते हैं आँख को बंद किए हुए है, इस तरीके का एक लोगो होगा, बस इसी पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको पैटर्न बनाना होगा 6 डिजिट का, तो यहाँ पर कोई ना कोई पैटर्न बना लीजिए, जैसे कि मैं बना लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैंने बना दिया। आप कन्फर्म मैं करूँगा, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये देखो आ चुका है। अब यहाँ पे इस तरीके का ये डायलर खुल जाएगा, यहाँ पे आपने जो पासवर्ड और ये आपने बनाया था वो पासवर्ड आप यहाँ डालेंगे और सीधा ये ले जाएगा होम पेज पे। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये आपको लेके आ चुका है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन शो हो जाएंगे यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं किसको आपको हाइड करना है। जैसे मैं फेसबुक को हाइड करूँगा तो फेसबुक पर क्लिक करूँगा या इनपोर्ट हाइड पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखो आ चुका है। अब यहाँ पर इस तरीके से पूरा राउंडिंग हो जाएगा। अब दोस्तों इस तरीके से खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फेसबुक पे तो इस तरीके से एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड ऐप लॉन्च डबल। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अब आपके फ़ोन में जो पहले से होगा जो फेसबुक उसे आप लॉग आउट कर दीजिए, और यहाँ पे आप जब हाइड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका नया एक क्लोन बन जाएगा उस फेसबुक ऐप का। उसमें क्या कीजिए, आप जो आपका पहले वाला होगा ओरिजिनल वो तो हाइड नहीं होगा, लेकिन आपका जो क्लोन बन के आ जाएगा वो यहाँ पे हाइड हो जाएगा। आपको आपको करना क्या है, उस वाली आईडी को इसके अंदर आपको लॉग इन कर लेना होगा, यानी कि इस ऐप में आपको लॉग इन कर लेना होगा इसके ऐप में, ठीक है। लॉगिन कर लेंगे, वो ऐप तो सभी को दिखेगा, लेकिन इस ऐप में जो आप लॉगिन कर लेंगे आईडी वो नहीं देखेगी किसी को, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यही सेटिंग करनी होती है, जैसे हाइड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि ये कह रहा है कि आप उस ऐप को पहले अनइंस्टॉल कीजिए, ठीक है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं अनइंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, तब आप इस ऐप में इस ऐप को हाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो आप उस ऐप को यानी कि अनइंस्टॉल कर दीजिए, वो आईडी है वो इसमें लॉगिन कर लीजिए, उसके बाद आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ सेटिंग के आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ बहुत सारी आपको इस तरीके से मिल जाएंगी, जैसे कि हाइड फ्रॉम रिसेंट, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, फिलहाल मैं इस वीडियो में लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जैसे कि आप देख सकते हैं डायलर का इस तरीके से आ जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं, कोई जाने भी नहीं पाएगा कि आपका यह ऐप हाइडर चल रहा है। ठीक है, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।